हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में ना कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का ना डायल पैड आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। डायल पैड को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको जो है कोई भी एक नंबर यहाँ पर डायल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो नंबर डायल किया है ना, अब ये सामने वाला पर्सन जो है मेरी कॉल को रिसीव कर लेगा। यहाँ पे है ना काउंटिंग यहाँ पे चलने लगेगी, तब मैं आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पे आपको समझाता, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दोस्तों, हमारा जो कॉल है वो रिसीव होने वाला है। तो ये जो कॉल है जो हमारा रिसीव हो चुका है और ये काउंटिंग यहां पे चलने लग रही है। अब आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन दिखता है ऐड कॉल, ऐड कॉल के इस ऑप्शन पे आपको टैप करना है। तो आपका इस तरीके से दोबारा से डायल पैड आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो है ना कोई भी दूसरा नंबर यहां पे डायल करना है, ठीक है। तो यहां पर मैं एग्जांपल के लिए अपने फोन में जो है कस्टमर केयर नंबर यहां पे डायल कर लेता हूं एग्जांपल के लिए, ठीक है। आपको कोई भी दूसरा नंबर डायल करना है तो यहां पर देखिए जो दूसरा नंबर है, जब ये भी कॉल को रिसीव कर लेता है काउंटिंग यहां पे चलने लगती है, तो यहां पर आपको नीचे मर्ज कॉल का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। तो ये जो आपकी जो कॉल है ना, ये आपकी कॉन्फ्रेंस कॉल में बदल जाएगी। देख सकते हैं इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्फ्रेंस कॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फोन में इजीली जो है कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इस सेटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में यहां पे समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो दो नंबर मैंने डायल किए हैं और एक मैं खुद तीसरा पर्सन हो गया, हम तीनों लोग मिलकर जो है ना एक ही कॉल लाइन पर बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक पर्सन बोलेगा तो बाकी के दोनों लोगों को सुनाई देगा, ठीक है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्रेंस कॉल में कि कोई भी पर्सन होल्ड पे रहता है, इसमें कोई भी पर्सन होल्ड पे नहीं रहता है, ठीक है। और यहां पर आपको एक बात यह भी बता देता हूं कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो ही लोगों को नंबर यहां पे डायल कर सकते हैं, आप चाहे तो यहां पे नंबरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। देखिए दो नंबर ये मैंने पहले से डायल कर रखे हैं, आप चाहे तो तीसरा नंबर भी डायल करेंगे तो वही सेम प्रोसेस है। ऐड कॉल पे टैप करेंगे तो आपका डायल पैड आ जाएगा, डायल पैड में आपको तीसरा नंबर डायल करना है। और जब तीसरा पर्सन भी कॉल को रिसीव कर लेता है काउंटिंग चलने लगती है, तो उसके बाद आपको नीचे मर्ज कॉल का ऑप्शन दिखेगा, मर्ज कॉल पे टैप कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आप एक एक करके और भी नंबरों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैंने अभी तक कॉन्फ्रेंस कॉल में 6 से 7 लोगों से एक साथ बात कर रखी है, तो आप इस तरीके से जो है ना अपने फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में जरूर यूज करके देखिएगा, ठीक है।